मेरे टीचर ने मुझे एक दिन बहुत मारा। मैंने दिल में उन्हें जितनी गालियां दे सकता था उन्हें दी और इरादा किया कि मैं जब भी जरा बड़ा हुआ तो इन्हें कत्ल कर दूंगा। लेकिन वो मुझे सिखा गए। एक दिन वो मुझे मिले और वो साइकिल पर थे। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उनके पाँव शुगर की वजह से सूजे रहते थे, कभी कभी तो बिना जूतों के साइकिल चलाते थे। एक दिन वो मुझे मिले और मुझे देखते ही उन्होंने आवाज दी। मैं गाड़ी से भाग कर उतरा। बड़े खुश हुए मुझे देखकर, एकदम हाथ जोड़कर बोले कमज़ोर आवाज में, यार मुझे माफ़ कर देना, तुझे मैं बहुत मारता था, इसलिए मारता था कि तुम कुछ बन जाओ। और आज तुम्हें किसी मकाम पर देखकर रो पड़ा हूँ कि आज मेरा शागिर्द किसी बड़ी गाड़ी में है। बेटा तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वो ये देखते हुए रो पड़े। मेरे सीने पर खूंसा लगा, तड़प कर उन्हें सीने से लगा लिया। सारा रोड ये मंजर देख रहा था। फिर मैंने उनके पाँव चूमे। हम दोनों उस्ताद शागिर्द गले रख कर रोते रहे। मुझे उनके गले लगकर सुकून मिल रहा था। जिस जिस राह चलते बंदे को पता चला वो भी रो पड़ा उस्ताद शागिर्द का प्यार देखकर। बात यह है कि आप अच्छे नंबर ना भी लें, अच्छे ग्रेड्स ना भी लें, सिर्फ अपने टीचर का अदब करें तो अजर टीचर नहीं अल्लाह देता है। मुझे ये मुलाकात कभी नहीं भूल सकती। मुझे तराशने वाले वही तो थे, मैं एक गुमनाम बेशकल पत्थर था। इसलिए जितना हो सके उस्ताद के एहतराम को तरजीह दें और यही फकत कामयाबी की सीढ़ी है।